बालोद में चिटफंड कंपनी ने निवेशकों से लाखों रुपए की ठगी की। एसपी सदानंद कुमार के निर्देश में थाना प्रभारी मनीष शर्मा ने विशेष टीम का गठन किया। पुलिस की टीम धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। इक्रो लीजिंग एवं फंडिंग लिमिटेड माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड कंपनी ने अधिक ब्याज देने का लालच देकर 51 निवेशकों से करीब 9,65,000 रुपए की ठगी की थी। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी दुर्गा प्रसाद को उड़ीसा से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 51 लोगों जो हैं पूरे के पूरे जिले से, बालोद जिले से, वो झांसी में आए हैं और कुल 9,65,000 की ठगी इनके द्वारा की गई। सर, क्या केवल बालोद के ही लोग इससे ठग के शिकार हुए या कहीं और? हाँ, जो इन्फॉर्मेशन हमको ऑन ग्राउंड पता चली है उड़ीसा से, तो ये पता चला है कि महाराष्ट्र की टीम, सूरत गुजरात की टीम, तमिलनाडु की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम, ये सब टीम पूरी की पूरी लगी हुई है इनको गिरफ्तार करने के लिए। हमारे प्रदेश में भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिली है, जिस हिसाब से दंतेवाड़ा, सुकमा, धमतरी, बालोद में है और रायपुर में इनका एफआईआर है, सक्ती में एफआईआर है, चिरमिरी में एफआईआर है। तो ये एक बड़ी कंपनी थी।